मैडम मैडम, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। अगर आप कहें तो गाड़ी साइड पे लगा के कुछ खा लूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, जैसे चल रहे हैं ना वैसे चलते रहो। मैडम बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, बस 5 मिनट लगेंगे, हम वक्त पे दिल्ली पहुँच जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आता क्या, जैसे चल रहे हैं ना वैसे ही चलते रहो। मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे लेट नहीं होना। और वैसे भी तुम एक दिन नहीं खाओगे ना तो मर नहीं जाओगे। हेलो जी मैडम। हाँ जल्दी ऊपर आओ। लेकिन मैडम, आपने बुलाया मैडम? कुछ कर रहे थे मैडम? वो खाना खा रहा था मैं। अच्छा सुनो, जाके सबके लिए स्नैक्स लेकर आओ। मैडम इस वक्त? अभी तो बहुत रात हो चुकी है मैडम। ये मुझे नहीं पता, सैलरी लेते हो यार तो कुछ तो काम किया करो। ये लो पैसे और जाके कुछ लेकर आओ। और हाँ, चाहो तो कुछ पैसे रख भी सकते हो, फिर तो मना नहीं करोगे तुम। सामान मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके बूट में रखो और कार निकालो। तुमसे बात कर रही हूं और कोई खड़ा है यहां पे? अरे जाओ यार कार निकालो। मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी। आज आप जिस तरह से मेरे साथ पेश आई वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अपने दोस्तों के सामने आपने मेरी बेइज्जती की। कैसे पेश आऊं? ड्राइवर हो तुम, अपनी औकात मत भूलो। हाँ हूँ मैं ड्राइवर, आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। कि आप जब चाहो जैसे चाहो मेरे साथ पेश आओ। वाह बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो। उस दिन आपकी समझदारी कहाँ गई थी जब कार वॉश के टाइम पे आप वर्कर से इतनी गंदी तरीके से बात कर रहे थे। देखो आपको तो याद भी नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ। हेलो तो गाड़ी दो मेरी। सब खा के धो दूं? मैं पूछ नहीं रहा हूँ तुझसे, बता रहा हूँ तुझे। चलो उठ के गाड़ी दो मेरी। रोटी का वक्त हो गया, दो मिनट लगेंगे बस। ये सब बहाने मत बना, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मैं। तुम्हें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पैसे चाहिए ना? ये पकड़, चलो उठ गाड़ी दो मेरी। 50 रुपये की औकात नहीं है, चलो उठ गाड़ी दो मेरी। अब क्या हुआ, नजरें क्यों झुका रखी है? अपने किए पे शर्मिंदगी हो रही है? मैडम मैं हमेशा से अपने से छोटे को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज जब खुद को छोटा महसूस किया तो एक घुटन सी महसूस हुई। जिंदगी में कोई सेम पोजीशन पे कभी नहीं रहता, इसका मतलब ये तो नहीं ना जो हमसे छोटे हैं हम उनकी बेइज्जती करें। आप सही कह रही, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं कल ही उस कार वॉशर के पास जाके माफी मांगूंगा।
ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो।